We are leaving for Edmonton. Are at West Edmonton Mall. Very beautiful. Very huge. है बच्चों के लिए but very huge. It's Vavamund. Vavamund. Hi everyone. So today we are going to Edmonton. कैलगरी से एडमिंटन इट्स लाइक 3 से 4 घंटे की ड्राइव. अगर आप वन स्ट्रेच में जाते हो, रुक रुक के जाते हो, तो 4 से ज़्यादा भी लगता है. तो मेरे लिए भी इट्स लाइक फर्स्ट टाइम. सो आई होप मेरे साथ साथ आपको भी एडमिंटन पसंद आए. बाकी वहाँ पहुँच के देखते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं. और लेट्स गो. सो हम गैस स्टेशन पर रुके हैं. मैडम गैस I know it's like how many hours? Plane चल रहा है. ये देख के फील होता है इंडिया जाना. We are on highway 216 from Calgary to Edmonton. This is very beautiful. यस, हम कैलगरी से एडमिंटन पहुंच चुके हैं और 3 घंटे की ड्राइव थी ये, 289 किलोमीटर्स. और यहाँ आने के लिए आप बाय रोड भी आ सकते हो, बाय फ्लाइट भी आ सकते हो, आई मीन कैलगरी से एडमिंटन. और ट्रेन्स भी हैं, बसेस भी हैं, बट हम बाय रोड आए हैं तो हमें 3 घंटे लगे हैं. एंड स्पेशल एडवाइस फ्रॉम हर साइड, बिकॉज ये यहाँ की लोकल है, तो इसने मेरे को बोला है कि आप जब भी ट्रैवल करो, बिकॉज़ यहाँ खाने पीने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है. अगर स्पेशली आपके पास टाइम कम है, आपको वन स्ट्रेच में आना है, तो आप अपने बेसिक्स, अपना खाना पीना और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बेसिक, वो अपने साथ रखें, गाड़ी में रखें, बिकॉज थोड़ा लंबा ट्रैवल है और आसपास कुछ मिलेगा नहीं आपको. अगर कुछ चाहिए रहेगा तो बेटर है आप साथ में लेके चलें. और हम पहुँच गए और बहुत खाली खाली सा है कैलगरी के कंपैरेटिवली. बहुत टाइट और बहुत खाली है ये कैलगरी के कंपैरेटिवली, बिकॉज शी यूज टू स्टे हेयर ओनली कैलगरी से पहले. और हमारे बच्चे को ये ज़्यादा पसंद है एडमिंटन कैलगरी से, तो इसके बर्थडे के लिए ही हम यहाँ आए हैं. इसीलिए ही हम यहाँ आए, बिकॉज इसको ज़्यादा पसंद है. बाकी हम होटल पे. इट्स समरी, इट्स सनी, वेरी सनी. सी, बहुत धूप है, बहुत गर्मी भी है. यहाँ आके ना स्किन ड्राई होती है. आपकी भी हुई थी? ये भी याद नहीं. मेरे को ना यहाँ पे पंजाब याद आ रहा है. अपने पंजाब में मैरिज पैलेसेस होते हैं ना इस तरीके के. सी, बुफे भी लगा है पीछे और पंजाबी गाने भी चल रहे हैं. मुझे लिटरली यही फीलिंग आ रही है, मैं किसी पंजाबी शादी में आई हूँ बट अभी तक मेहमान पहुँचे नहीं है. तो हम अभी थोड़ा रेस्ट टाइम, शाम को हम जाएंगे किंग्सवे मॉल. तो बाकी अपडेट वहाँ जाके देते हैं, तब तक अभी थोड़ा स्लीपिंग टाइम. Thank you. She said we smell good. Really? Did she say that? Yeah. Arna want us to go to mall. किंग्सवे पहुंचे क्योंकि मुंडे का बर्थडे आज, तो मुंडे दे ही चलनी सी.
छोरे का जन्मदिन है तो छोरे की चलेगी आज। क्यों मम्मी जी? यस। आज का दिन वॉज फुल ऑफ ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे सब बंद हो जाता है तो हम सिर्फ मॉल ही जा पाए। बट कल का दिन इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। कल हम नई नई चीज़ें करेंगे, नई नई जगहों पे जाएंगे। टिल देन गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आए हम एंड एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ बाहर आके, आई मीन घर पे तो आई कुक, बट अभी बाहर हो तो मुझे अपनी देसी चाय नहीं मिल रही। आई एम हैविंग दिस इंग्लिश कॉफ़ी। आर एट स्टारबक्स नाउ एडमिंटन में और हम आज जा रहे हैं दो जगह। वन इज़ मे बी अल्बर्टा बीच एंड द अदर वन इज़ क्या, कौन सी लेक वेबम लेक, पता नहीं क्या नाम है। वेबम लेक, इट्स वेबम लेक, वेबम। हाँ वही, इतनी ज्यादा गर्मी है, ठंडा सामान इकट्ठा किया है सारा। वेबमन लेक एडमिंटन से 1 से 1.25 घंटे की ड्राइव पे है। इट्स अ पिकनिक स्पॉट, पार्क और लेक साथ में है। लोग फैमिलीज के साथ जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे, और स्पेशली जो नेचर लवर हैं वहाँ का ग्रीन एनवायरनमेंट आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। बट यस, अपने खाना पीना बेसिक साथ में लेके चाहिए, बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सो वी हैव रीच वेबमन पार्क लेक। This is so beautiful. एक तो उतनी ही शांति है और उतना ही ग्रीन है। It's amazing. I'll show you. तो हम पार्क में पहुंचे हैं। दिस इज द पार्क। सी द लेक। हम लेक पे तो पहुंच गए, बट इतनी बड़ी लेक है, इतना बड़ा एरिया, हमें वॉशरूम नहीं मिल रहा। वो मैडम बाथरूम के लिए स्ट्रगल कर रही है पिछले ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से। वेबमन से एडमिंटन वापस आते हुए रास्ते में अल्बर्टा बीच भी है, जो कि 30 मिनट्स की ड्राइव है, और इट्स अ मस्ट गो प्लेस, स्पेशली सनसेट के टाइम पे। इट्स ब्यूटिफुल। और ये जो सारा विलेज है, ये ऑलमोस्ट जो रिटायर्ड लोग हैं उन लोगों ने बसाया हुआ है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस टू गो।
सो ये अल्बर्टा बीच है, वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल. गैस स्टेशन नहीं होना थे रूपा, गैस स्टेशन होगा पहले थी सर्च कर. इंडियन खाना खाने आया, साउथ इंडियन खाना खाने आया, बट अंदर वेटिंग है तो हम वेट कर रहे हैं. और सामने सनसेट बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखो. आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? Why you are sitting here? हाँ. Why you are sitting here? खाना दे दो. हमें भूख लगी है. खाना दे दो. अंबर ने अंबर और आएगा ना. आज का दिन was full of nature. हम जंगल में गए, लेक पे गए, अल्बर्टा बीच देखा हमने, बहुत प्यारे प्यारे साइट सीइंग देखे. बट कल का दिन इज फुल ऑफ फन एंड एक्टिविटीज. हम जा रहे हैं वेस्ट एडमिंटन मॉल. टिल देन गुड नाइट. सो एम्यूजमेंट इंडोर एक्टिविटीज करने जा रहे हैं हम आज जनाब के लिए. ऑल सेट टू गो. एक मिनट अभी रहता है उस तरफ देख, कुछ रहता तो नहीं. इट्स रेनी एंड इट्स कोल्ड. अच्छा हुआ मैंने पहन लिया ना. अच्छा हुआ मैंने पहन लिया. इट्स कोल्ड, मतलब सर्दी जैसा मौसम ही है. क्या सर्दी वाले का मौसम ही है? तूने ये सर्दी देखी नहीं है. And it's raining. So very much. Thank you. So this is West Edmonton Mall. अभी हम पहुंचे ही हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ करने को. We are at West Edmonton Mall. ये कनाडा का सेकेंड हाईएस्ट लाइक बिगेस्ट मॉल है. इसमें ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा स्टोर्स हैं एंड more than 11-12 attractions, two beautiful fantasy hotels and many more things. Like itna bada. Hum pichle almost 2 ghante se yahan pe hain aur sirf ek jagah explore kari hai. See, there are lot many activities going on. Bahut kuch hai yahan pe. अभी हम गए थे दिस गैलेक्सी लैंड. बहुत सारी राइड्स थी वहाँ पर, मज़ेदार. इट वॉज फन. बच्चों के लिए बट वेरी ह्यूज. वी आर गोइंग टू राइड दिस.
सोचने लगा कि ये ना हो सारा दिन राइड लेने के चक्कर में निकल जाए और हमारी शॉपिंग फिर से रह जाए. सो आई एम गोइंग टू गेट सम स्टफ फॉर मी एंड कुछ शॉपिंग कर लेते हैं यार. बार बार कहाँ आ जाते हैं इतने बड़े मॉल में. Happy birthday to you. Happy birthday.